What the fuck? हाँ जल्दी आ जाना, याद है ना जाना है। हाँ हाँ बाजार चलेंगे। ये क्या हुआ है तुम्हारी गर्दन पे? तुझे तो अपने लगाए हुए जख्म भी याद नहीं रहते। क्या मतलब? तुझे वाकई नहीं याद कुछ भी? क्या हो गया? पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? रात तुम्हारी हालत फिर वैसी हो गई थी। नहीं। अभी दफ्तर को देर हो रही है, वापिस आकर तफसील से बात करूंगा इस मसले पर। तुझे क्या पता मेरे साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ तो पूछ तो रही हूँ, बताते क्यों नहीं हो? अभी बताओ मुझे। बोला ना आके बताता हूँ। बस तू मेरे जाने के बाद शहर में मत निकल। कब तक? पता नहीं। ये क्या हुआ है तुम्हारी गर्दन पे? तुझे तो अपने लगाए हुए जख्म भी याद नहीं रहते। रात तुम्हारी हालत फिर वैसी हो गई थी। तुझे क्या पता मेरे साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। ये क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है सैन में?
वो बिजली गई भी थी ना तो गर्मी बहुत थी तो इसलिए मैं तो इसका मतलब है तू सहन में आ जाएगी। 10 दफा तुझे मना किया मगर तू तो सहन किस लिए होता है? तुझे नहीं पता इस मोहल्ले के लोगों का? तो अपने घर के सहन में भी नहीं आ सकती मैं? तो ये सहन ही तो सारी फसाद की जड़ है। तुम शक कर रहे हो मुझ पर? नहीं, तुझ में शक नहीं कर रहा, दुनिया वालों पे शक कर रहा हूँ। इतनी भी बुरी नहीं है ये दुनिया। एक दिन लगड़ा के चल, अच्छी तरह पता चल जाएगा दुनिया कितनी अच्छी है। चल अब अंदर। चले हाँ चलते हैं, ये आखिरी वाला बंद। फौजिया बहुत जल्दी है तुझे, चल अब। मौजिया मुझे माफ कर दे, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं पागल हो गया था जब वो लड़के मुझ पर हंस रहे थे। इसमें मेरा क्या कसूर? तू मेरे साथ क्यों नहीं चल रही थी? चल तो रही और कैसे चलूं? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब कोई मेरी माजूरी पर हंसता है, मंदा हो जाता हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता। मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे तो पता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तुझे मेरे साथ देख के दुनिया वाले जलते हैं, लेकिन मैं सबको देख लूंगा, बस तू मुझे माफ कर दे, अब की बार माफ कर दे। फौजिया तू ठीक तो है ना? छोड़ दे इसे, छोड़ दे, अगर तूने इसको हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा, हाथ काट दूंगा, ये मेरी है, समझा तू? ये मेरी है, अगर तूने इसको हाथ लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा तू? के नहीं
अब बता भाई तू क्या कह रहा था। ये नहीं लाए। इसमें तो सिर्फ आदाद लिखे हुए। तो इन्हीं आदाद के पीछे तो जादू होता है। ओ भाई जादू इंसान के दिमाग में होता है, दिमाग में, समझे? तू जादू को नहीं मानता? जादू वो जो सर चढ़कर बोले। अगर तुम्हें किसी ने यकीन दिला दिया ना कि तुम पे जादू है तो समझो कि तुम पे जादू हो गया। मैं समझा नहीं। देखो अगर तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम पे और तुम्हारी बीवी पे जादू कर दिया है तो समझो फिर जादू हो गया। अब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें एक मोजा नहीं मिले तो तुम समझोगे कि जादू है, और ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही हो रहा है। तुझे नहीं पता मेरे रिश्तेदार मुझसे कितना हसद करते हैं। ओ भाई ये तुम्हारी सोच है, सोच हर चीज गलत नहीं हो सकती, समझे? मैं गलत सोचता हूँ? मैं तो भी ये तावीज मेरी नजर का धोखा है। अच्छा भाभी से पूछा इस तावीज के बारे में, कहीं ये तावीज उनका तो नहीं है? क्या पता ये तावीज उनका हो। उसका होता तो मुझे पता नहीं होता। तो फिर तुम चाहते क्या हो मेरे भाई? मैं फौजियों को खोना नहीं चाहता। इंसान जिस चीज को खोने से डरता है ना, समझो वो चीज उससे खो जाती है। तो मैं क्या करूं? इलाज, इलाज करवाओ इलाज। इलाज? कैसा इलाज? किसका इलाज? भाभी का इलाज और किसका? तो भाई अकेली रहने वाली औरतों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर सिर्फ नजर आने वाली चीजों का इलाज करता है, और तुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे धक्का दे रहा है, मेरे पैसे घुमा देता है, दरवाजा खटखटा के भाग जाता है। अबे यार वो मैं चलता हूँ, तो तेरी भाभी से मैंने वादा किया था कि बच्चों को खाना खिलाने ले जाऊंगा ना, मैं चलता हूँ। मैं अब तू कह दे कि ये भी सब जादू का असर है। नहीं तो और क्या, तुझे नहीं पता जिसके ऊपर जादू होता है ना उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। ओ भाई गड़बड़ यहाँ होती है यहाँ, समझे? ये संभाल अपना तावीज, मैं चलता हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी डॉक्टर के बस की बात है। अच्छा तो फिर तू समझती क्यों नहीं है? तुझ पे जिन आ गया है। अच्छे खासे समझदार हो फिर भी ऐसी बातें करते हैं। तुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता बाद में, मुझसे पूछ मेरे ऊपर क्या गुजरती है। वो तुझे मुझसे छीनना चाहता है। अब चलना है डॉक्टर के पास कि नहीं? जा रहा हूं। चल चलो चल। रुक रुक ये देख तू यकीन नहीं करती ना, ये सब मेरे रिश्तेदार करा रहे हैं। ये क्या है? काला जादू। कभी जिन कभी काला जादू, ये क्या है? फौजिया ये दुनिया इतनी अच्छी है नहीं जितना तू समझती है। इसी काले जादू के जोर पर जिन को तेरे पीछे लगा रखा है, वरना ये कलेजी कहाँ से आती? अच्छा छोड़ो चलो ना, फेंको इसे कहीं बाहर। ये एक बीमारी है जिसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। आप इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपको लग रहा है, आपको दौरे में कुछ याद ही नहीं रहता। मिर्गी हो सकती है। डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है? फिलहाल सुकून बख्श इंजेक्शन। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो किसी जिन के असर की वजह से ऐसा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, इंसान से बड़ा भी कोई जिन है क्या?
लेकिन डॉक्टर साहबा, जिनों का तो हमारे मजहब में भी जिक्र है। लेकिन मैं कब इनकार कर रही हूँ जिनों के वजूद से? लेकिन ये तो तय है, इंसान भी जिन कभी आ ही नहीं सकता, उसकी तो खुद रूह कांपती है इंसान से। लेकिन ये कैसी बीमारी है डॉक्टर साहबा कि लड़की मर्दाना आवाज में बोलने लगे? इंसान की शख्सियत दरअसल उसकी याददाश्त होती है। अगर किसी इंसान के दिमाग में किसी और शख्सियत की याददाश्त नफूस कर जाए तो खुद को वही समझने लगता है। लेकिन फौजिया का सामना तो कभी ऐसी शख्सियत से नहीं हुआ। कभी कभी बचपन में देखी गई मूवीज के कैरेक्टर भी इस रूप में सामने आ जाते हैं, और आमतौर पर ये इस वक्त सामने आते हैं जब इनके मिजाज के खिलाफ कोई बात होती है, या तनहाई में कुछ काम नहीं होता, या ये नापसंदीदा माहौल में रहते हुए इंसान खुद ही अपनी ख्याली दुनिया बना लेता है। डॉक्टर, वो अगर इंजेक्शन से भी कोई असर ना हुआ तो फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तू? डॉक्टर के पास लेकर जाएगा? अरे फौजिया, क्या लेकर जाएगा तू? मार दे, मार दूंगा। फौजिया क्या कर रही है? क्या समझता है तू अपने आप को? तेरी जान ले लूंगा मैं। फौजिया क्या कर रही है? नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या कहा था मैंने? ये मेरी है, ये सिर्फ मेरी है। तू इसको हाथ नहीं लगाएगा, डॉक्टर के पास इसका इलाज कराएगा तू। बता मुझे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे इसे। यार मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बीवी पे कुछ करा दिया है। साले सब जलते हैं ना कि इसकी शादी इससे कैसे हो गई। वो इतनी हसीन है कि तेरा मसला जो है ना एक आदमी हल कर सकता है। कौन? एक शाह साहब है, बड़े से बड़ा जिन उनके आगे पानी भरता है। मेरी बहन पे भी जिन आ गया था, उन्होंने ही निकाला। तू मुझे उनसे मिलवा सकता है? अभी हाँ यार, मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अच्छा रुक, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। कल चला जाइए दोपहर के बाद, मेरा नाम रिलीव, तेरा काम हो जाएगा। नजराना, नजराना जो है ना, बस इसके नीचे रख दियो 100-200 जो भी हो, तो समझ में उसको दे दी। रहिए, मेहरबानी मेहरबानी। क्या मसला है तेरा? बाबा, मेरी बीवी पे जिन चढ़ गया। तो तू क्यों आया? मैं समझा नहीं बाबा। उसको क्यों नहीं लाया? वो
नहीं आ सकती बाबा। असल में ना ये देखे, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा। चल चल जल्दी कर, वरना बहुत देर हो जाएगी। चल चल बाबा। जिंदा कैसे है? क्या मतलब बाबा? सब समझ आएगा, सब समझ जाएगा। बीवी कहाँ है तेरी? बाबा एक मिनट, बाबा जी एक मिनट, मैं जरा एक मिनट। ऊंचा बाबा जी आ गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही से हो जा। कहाँ है मरीजा? बाबा वो अंदर कमरे में। खबरदार, मैं अब जिन से मुकाबला करूंगा, तू अंदर मत आना और ना ही दरवाजा खोलना। कैसी भी आवाजें आए दरवाजा मत खोलना। लेकिन बाबा अगर मैं भी कमरे में होता तो जिन भी तू खुद निकाल ले। अरे बाबा नाराज ना हो, जैसे आपकी खुशी बाबा। हिम्मत कर, क्या चाहता है बता दे, बोल। इसे बदतमीजी की सजा जानता है? देख मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस इस लड़की को छोड़ दे। चला जा यहां से, दफा हो जा। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है, तू अपनी जान से जाएगा। चल जा यहां से। बात की धमकी किसे देता है? अब मैं तुझे बताता हूं मैं हूं क्या चीज। चल जा यहां से, मर जाएगा वरना। चल जा यहां से, दबाओ जा। बाबा क्या हुआ? बहुत खतरनाक जिन है, काफिर है, काफिर। कुछ और करना पड़ेगा। चल जा यहां से। बाबा बाबा you
लेकिन ये तो तय है, इंसान पे जिन कभी आ ही नहीं सकता, उसकी तो खुद रोक आपकी इंसान से। लेकिन ये कैसी बीमारी है डॉक्टर साहबा कि लड़की मर्दाना आवाज में बोलने लगे? इंसान की शख्सियत दरअसल उसकी याददाश्त होती है। अगर किसी इंसान के दिमाग में किसी और शख्सियत की याददाश्त नफूस कर जाए तो खुद को वही समझने लगता है। लेकिन फौजिया का सामना तो कभी ऐसी शख्सियत से नहीं हुआ। कभी कभी बचपन में देखी गई मूवीज के कैरेक्टर भी इस रूप में सामने आ जाते हैं, और आमतौर पर ये इस वक्त सामने आते हैं जब इनके मिजाज के खिलाफ कोई बात होती है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चल चला जा, चला जा यहाँ से, कुछ नहीं हो सकता उसका। बाबा मेरी जिंदगी का सवाल है, कुछ करे मेरी मदद। छोड़ दे उसे, उसे किसी चीज का कोई एहसास नहीं है, भटका हुआ जिन है। मार देगा वो तुझे अगर उसकी बात ना मानी तो। बाबा अगर फौजिया मुझसे छिन गई तो मैं मर जाऊंगा, कोई तरीका तो होगा, मेरी मदद करें। लड़की के बाल दफनाने होंगे तुझे कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान की आखिरी कब्र में। चला जा, आज रात करना ये काम तेरे पास वक्त नहीं है। कब्रिस्तान बाबा, लेकिन वो कोई लेकिन में के नहीं। चला जा, जा भाग, भाग जा। कितनी
खत्म हो गई है। मेरा वक्त आ गया है, तेरी मौत का वक्त आ गया है। आज अपनी कब्र में जाएगा, छोड़ उसे, छोड़ दे उसे। आज तुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ उसे। वो क्या हो गया तुझे, पागल हो गया? आज आज मरेगा तू, नहीं छोड़ेगा उसे। पागल हो गई क्या? छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। आज छोड़ेगा तू उसे, नहीं तो तुझे मार डालूंगा मैं मार डालूंगा, मार डालूंगा। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ मुझे। नजर नहीं आता क्या अंधे? खुले आसमानों में ना उड़ने की जो ख्वाहिश होती है वो परिंदे को पिंजरा तोड़ने पर मजबूर कर देती है। कितनी गिरें